मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूँ मैं अपने नए और ताजी चमचमाती फ्रेश वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दो, अगर भाई आपका लाइक समर्थन प्यार सपोर्ट नहीं मिला ना भाई, तो कोई इंसान क्या करेगा, आगे नहीं जा पाएगा, ईंट पे ठप हो जाएगा। तो भाई आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का जो बोलूंगा मुझे मोटिवेट करने का भाई तरीका है आपका बहुत ताबड़तोड़। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर देखो तुम्हारा भाई डेली वीडियो लाएगा, तुमको डेली प्रेडिक्शन देगा, डेली टीम देगा। टीम कहां पे देता हूं भाई, यहां पे स्क्रीन पे देख लो, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, तो भाई ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन अप आने के बाद इसी टेलीग्राम पे अपना जो भाई फाइनल टीम होता है, प्रेडिक्शन, ओपिनियन जो भी होता है भाई, मौज काटने वाला, पैसा कमाने वाला, पैसा जीतने वाला तरीका, सारा चीज इसी टेलीग्राम ऐप पे शेयर करता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। और भाई आइए ज्ञान की बात करते हैं। आज भाई जो भाई लोग पैसा नहीं कमा रहे, तो भाई आप अपनी वजह से नहीं कमा रहे, लेकिन मैं तो चाहूँ अगर आपको, तो भाई आपको पैसा दे दूँ, मतलब आपके घर पहुँचा दूँ, तो भाई आपको घर पहुँचाने वाला काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, सबको जिताने वाला काम करूंगा। आज के मैच में मैं बोलूंगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, और भाई सारी आप क्लीन करने वाले, और भाई स्मॉल लीग तो भाई आप एक तरफा आंख बंद करके क्लीन करोगे। भाई मैं बता दूं, भाई को 30 मेंबर से लगाए, 50 मेंबर, 50 मेंबर से लगाए, भाई 100 मेंबर आप एक तरफा क्लीन स्वीप करने वाले हो। तो भाई इस वीडियो को आप देखो, भाई देखो मैं वैसे ही कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कर रहा हूं, पूरा आपको एक एक चीज ज्ञान दे दूंगा कि भाई टीम कैसे बनाते हैं, किस किस को प्लेयर को क्यों रखते हैं, कौन से प्लेयर को किप ड्रॉप करते हैं, ये सब सारी जानकारी दूंगा। तो आइए ज्ञान की बात करते हैं। भाई देखो थर्ड ओडीआई मैच, भाई देखो धीरे धीरे देखो भाई दो ओडीआई तो खत्म हो चुका, ये देखो भाई टीम किसके किसके बीच में मुकाबला है, भाई यहाँ पे देखो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला है। तो भाई पिछले दो मैच से आप देख रहे हो कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया का पड़ रहा है क्या इंग्लैंड के खिलाफ बारी है, लेकिन भाई आज के मैच में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में देखते रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ वीडियो, भाई आप पैसे कमा के जाने वाले हो। और भाई तुक्के वाली काम तो आप ना करिएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो, आप समय दे रहे हो, तो आप भाई अच्छे से टीम बनाइए, सेफ के लिए पैसा कमाइए। भाई ज्ञान की बात करते हैं आज के वीडियो में, मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा जिस कड़ा पैसे कमाओगे। तो भाई फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, आज की वीडियो में आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम यूज बताऊंगा कि भाई आज के मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम यूज क्या देखने को मिलेगी। और भाई यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, भाई देखो अगर आप जान जाते हो पिच रिपोर्ट, तो भाई आपका जो भाई बोल दू सारा करा धरा रहता है, किसका 75% आपका जो भाई है, आपका पिच रिपोर्ट से पता चल जाएगी भाई स्पिच पर बल्लेबाज को मत मिलता गेंदबाज को। अगर आप जानोगे कि अच्छी टीम क्रिएट करोगे, ताबड़तोड़ पैसा कमाओगे, मौज करोगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड भी बताऊंगा, अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड कितने खेले गए, कौन कितनी बार जो है मैच को जीता हुआ है, कौन कितनी बार जो है मैच को हारा हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो के मदद से। और भाई यहाँ पे देखिए भाई प्लेयर प्रेडिक्शन मैं बताने वाला हूँ कि आज के मैच में आप क्या करोगे, भाई किस प्लेयर के ऊपर जो भाई 25 रन आप यस करोगे, और आप क्या करोगे किस प्लेयर के ऊपर जो भाई 25 रन क्या करोगे नॉट करोगे, मतलब कि भाई आप यस और नो में आंसर देके पैसे कमा सकते हैं हमारी वीडियो के मदद से। तो भाई कमा लेना, हर एक बंदा कमा सकता है, तो भाई कमाओ नो डाउट। अब यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में कि कौन से ऐसे प्लेयर है जिसको आप क्या करोगे कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले बेस्ट चॉइस में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई टॉस प्रिडिक्शन आज के मैच में बताने वाला, हु विल विन द टॉस आज के मैच में, जो भाई है भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में भाई जो है टॉस पर वन करेगा, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो के मदद से। तो भाई सपोज दैट एक बार आप रिलीज करके देखो कि भाई अगर आपको इतना सारा ज्ञान नॉलेज टिप्स अगर मैं बता देता हूँ, तो भाई आपके हारने वाला भाई नौबत ही नहीं आएगी, मौज काटते रहोगे। तो भाई देख लो अब भाई चलिए इसी लय और अंजाद से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं किसके बारे में कि भाई इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या रहने वाली है आज की मैच में। बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे देख लीजिए भाई इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या रहने वाली है आज की मैच में। तो भाई ध्यान से देखिएगा, जो प्लेइंग 11 टीम न्यूज बताऊंगा आपको लगभग वही प्लेइंग 11 टीम न्यूज देखने को मिलेगी जो प्लेइंग आज की टीम में आपको खेलते हुए दिखेगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं, भाई देखो फिलिप साल, बेंडिकोट, विल जैक, यहाँ पे देखो हैरी ब्रूक, जे स्मिथ, लिविंगस्टन, जो बांटल, बी कॉज, जफरा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, भाई ये रहने वाली आपकी किसकी इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज। एक तरह से मैं आपको बात बता दूं, भाई देखो जो यहाँ के इधर के जो इंग्लैंड के बॉलर है, एक सपोज दैट ये बॉलर बैटर है, ठीक है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ, भाई देखो यहाँ से आपके सारे अच्छे प्लेयर आपको दिखेंगे, ये सारे आपको पॉइंट देंगे अगर आप अपने टीम में रखे हो तब। इतना गारंटी के साथ रखता हूँ कि इसमें से हर एक बॉलर आपको कितना भाई एक या दो विकेट लेता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बॉलर है जो भाई क्या करने वाला आज के मैच में आपको दो से तीन विकेट लेता हुआ दिखेगा,
एक अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। वैसे आज के मैच में ये चारों बॉलर जो आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके टीम में। अब भाई देखो आज के मैच में बात करते हैं किसके बारे में, प्लेयर के मतलब बैटर के बारे में बताता हूँ। भाई आपको फिलिप साल में बताओ, वैसे तो भाई इस बंदे को आप सभी लोग जानते होंगे। भाई ये जो बंदा भाई मैं बोलूंगा T20 का ताबड़तोड़ बैट्समैन है, आपको T20 में अच्छे खासे पॉइंट देता हुआ दिखेगा और भाई इसकी बैटिंग के साथ साथ ये आपको प्लस पॉइंट देगा। कैसी आपको विकेट कीपिंग, तो भाई आप जानते हो भाई विकेट कीपिंग और T20 में ताबड़तोड़, लेकिन भाई T20 और ODI में बहुत डिफरेंस आता है। T20 में क्या रहता है कि बैट्समैन आते ही क्या होता भाई रन मारना स्टार्ट कर देते, लेकिन ODI वाले मैच में क्या होता अगर पीछे मदद मिल रही बल्लेबाजों को तब पर उनको रुक के खेलना है, अगर पीछे गेंदबाजों को मदद मिले तो भाई बैट्समैन को एकदम चौकन्ना होकर खेलना पड़ता है, सेफ खेलना पड़ता है। तो बोलूंगा भाई देखो मैं बता दूं, अगर भाई देखो फिलिप साल्ट अगर ये सेकंड इनिंग बैटिंग करते हैं आज के मैच में, भाई देखो क्यों बता रहा हूं रीजन सुनना भाई, यहां पे देखो अगर फिलिप साल्ट जो आज के मैच में सेकंड इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई आज के मैच में आप इनसे 40 से 60 रन की उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आज के मैच में जो भाई है फिलिप साल्ट आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन यही फिलिप साल्ट अगर आज के मैच में बता दू फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेंगे तो भाई मैं बता दू ज्यादा कुछ खास करने वाले नहीं है, क्योंकि भाई ये देखो इनका जो कंडीशन है भाई क्या करते हैं आते ही आपको चौका छक्का मारना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे मैं बताऊं आपको सेकंड इनिंग में एक तरह से अब ये बैलेंस करके मैच को खेलते हैं, जैसा इनको जरूरत होता है वो ऐसे खेलेंगे, नहीं तो आपको क्या करेंगे एक सेफ पर्सन की तरह एक सेफ प्लेयर की तरह खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता दू फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय ज्यादा कुछ इधर बड़ा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो भाई आज के मैच में यही कि भाई देखो आज के मैच में फिलिप साल्ट अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करता तो 40 से 60 रन के अप्रोक्स स्कोर देगा, मतलब रन बना के जाने वाला और आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा। तो आज के मैच में मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला हूं, ठीक है। भाई देखो अभी मैंने अप्रोक्स बताया 60 इसके ऊपर भी बंदा जा सकता है, लेकिन अब ज्यादा बड़े रन की उम्मीद ना करना, क्योंकि भाई पिछले दो मैच से अभी तक इनका कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा, अपनी विकेट फेंक दे रहे, तो हो सकता है कि भाई आज के मैच में आपको थोड़ा टाइम देते हुए 40-60 रन अप्रोक्स करते हुए आज के मैच में आपको रन स्कोर करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं बैंडुकर, भाई देखो बैंडुकर ताबड़तोड़ भाई बंदे को चाहे जब भी खिला लो, लेकिन मैं बोलती हूँ मिला जुला के बंदा ODI और टेस्ट का ताबड़तोड़ बैट्समैन है, ये चाहे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे चाहे सेकंड इनिंग, आपको दोनों इनिंग में एकदम ताबड़तोड़ खेलता दिखेगा, मतलब जैसा कि ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा ऐसा ही आपको सेकंड इनिंग बैटिंग करेगा। डज नॉट मैटर कि भाई ये बैटिंग कैसा करता है, बैटिंग करने से मैं बता दूं स्टार्टिंग में आपको टाइम लेके खेलेगा, आप इसके रन और बॉल से कंपेयर कर सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन मैं बता दूं धीरे धीरे अपनी गति को खेलना स्टार्ट करता और भाई ज्यादा रिस्की शॉट नहीं खेलेगा, मिला जुला के एकदम सेफ खेलेगा। और ज्यादातर मैं बता दूं अभी इसके ऊपर मैं बोलूंगा बहुत प्रेशर है, क्योंकि भाई पिछले कई मैच इन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं है, तो मैं बोलूंगा आज के भी मैच में ज्यादा बड़ा उम्मीद ना करना, लेकिन अब छोटे की उम्मीद कर सकते हैं। छोटे की मतलब यह है कि भाई आज के मैच में 30 या 50 रन के बीच में ये भी स्कोर करके जाने वाले आज के मैच में बैंडुकर, तो इन पे ध्यान दीजिएगा नजर दीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं आज के मैच में बैंडुकर अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा तो भाई कुछ बड़ा करने वाले, ठीक है। भाई जो भी बात मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान और ध्यान से पूर्वक सुनते रहिए, ठीक है, और उसको अपने आज ड्रीम टीम में आप लागू करिएगा, ठीक है। अब भाई देखो विल जैक, भाई देखो विल जैक की पूरी हिस्ट्री यही कहती है कि भाई अगर ये बंदा एक मैच में दो मैच में तीन मैच में अगर ये फ्लॉप होता है तो भाई आपको एक ही मैच में इतने रन मार देगा कि भाई पिछला जितना रन है सारा कवर हो जाएगा, तो मिला जुला के आज के मैच में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा चाहे जब पर भी बैटिंग करे। अगर विल जैक अगर आज के मैच में बता दूं अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई आपको ठीक ठाक पॉइंट देंगे, लेकिन मैं बता दूं ये विल जैक अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करते हैं ना भाई तो भाई आज के मैच में मैं बता दूं आज के मैच में इनका 100 रन सेटल है कि भाई आज के मैच में विल जैक जो भाई कौन सी भाई आपको 100 रन मतलब इनकी बैट से सेंचुरी आने वाली है ताबड़तोड़, सेंचुरी के साथ साथ इनको सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी कराते हो दिखोगे विल जैक पे, तो भाई ध्यान दीजिएगा नजर रखिएगा। और भाई आज के मैच में विल जैक जो रहने वाले ट्रंप कार्ड रहने वाले कि मतलब आज के मैच में ये फैंटेसी के सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले बंदे हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं हैरी ब्रूक, भाई देखो हैरी ब्रूक भी ताबड़तोड़ है, मैं बता दूं जब पर भी ये बंदा एक दो मैच में मतलब एप्रोक्स चलेगा किसी में 20 बनाएगा किसी में 5 बनाएगा किसी में 25 बना देगा किसी में 30 एप्रोक्स ही आपको रन बनाएगा, तो भाई मैं बोलूंगा ठीक ठाक बैट्समैन है एकदम सेफ खेलेगा, नो डाउट ज्यादा बॉल को हवा में नहीं खेलेगा, मिला जुला के आपको ज्यादातर ये सेफ खेलते हुए दिखेगा। तो मिला जुला के आज के मैच में हैरी ब्रूक भी आपके लिए क्या रहने वाले ट्रंप कार्ड रहने वाले, तो भाई ध्यान दीजिएगा हो सकता है कि भाई आप इनसे ज्यादा उम्मीद ना करना, लेकिन भाई आज के मैच में इनसे ज्यादा से ज्यादा कितना 60 या 70 रन की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखना जो भी मैं प्लेयर के बारे में बोल रहा हूं किसको कब लेना है कब किसको ड्रॉप करना है ये इंपॉर्टेंट, आप जो फॉलो करोगे कमाओगे। अब यहाँ पे भाई देखो जे स्मिथ, भाई देखो जे स्मिथ पिछले मैच में क्या बंदा ताबड़तोड़ खेला, ताबड़तोड़ खेलने के साथ साथ ये ज्यादातर मैं बोलूंगा टिकाऊ प्लेयर है, ज्यादातर ये आपको सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा, परफॉर्मेंस के साथ साथ ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन भाई मैं बोलूंगा अभी मैं बोलूंगा यंगस्टर है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय ना ज्यादा ट्राई करना आज के मैच में, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय जे स्मिथ फ्लॉप जाने वाले, लेकिन अगर ये सेकंड इनिंग बैटिंग करते हैं तो अपने टीम में आप इनको फॉलो जरूर करना, ठीक है। अब
भाई बात कर लेते हैं लिविंगस्टन भाई। T20 के बाद इन्होंने तो आपने देखा बंदा दो दो तीन तीन विकेट ले जाए, बैटिंग साथ के 80-90 रन मार के चला जाए। लेकिन भाई देखो भाई T20 और ODI में जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। T20 में क्या होता है कि भाई बैट्समैन आते ही भाई रन बनाना स्टार्ट और भाई बॉलर आते ही चौके छक्के पिटवाना स्टार्ट, मतलब मिला जुला के भाई ODI जो है इसमें मैं बोलूंगा एक तरह आपको एक इंटेलिजेंट बैट्समैन लेना पड़ेगा और समझदार एक्सपीरियंस जो बंदा अनुभवी हो, मिला जुला के भाई मैं बोलूंगा लिविंगस्टन तो ताबड़तोड़। लेकिन मैं बता दूं यहां पे इनकी बॉलिंग नहीं चलने वाली है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के उसी प्लेयर को, ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उसी बॉलर उसी प्लेयर को टारगेट करती है जो बॉलर उनकी दिक्कत ना करता हो, जो बॉलर उन्हें परेशान ना करता, जो बॉलर उन्हें बार बार आउट ना करता हो, ठीक है। तो जिसके कारण आज के मैच में हो सकता है लिविंगस्टन आपको फ्लॉप जाते हुए दिखे बॉलिंग से, लेकिन भाई बैटिंग से आपको कुछ कर सकते हैं। लेकिन भाई ODI अपने मस्टिक वाला स्टैंडर्ड में खेलेंगे तो आपको मैं सीधा कहूंगा कि इनको ड्रॉप मार दिया, ठीक है, नो डाउट नो रिस्क। अब यहाँ पे बात कर ले भाई आज के मैच जो भी जिताएंगे भाई मैं बता दू बैट्समैन तो नहीं जिता सकते, इनकी बॉलिंग ताबड़तोड़ रहने वाली जिसके कारण इनके सारे बॉलर जो फॉर्म में है, तो भाई आप भी पैसा कमाए भाई। देखो जो बेहतर भाई देखो ये बेहतर ताबड़तोड़ है, लेकिन मैं बता दू ये मिस हिटिंग वाला बैट्समैन है, तो भाई मैं बता दू अगर इनकी बैटिंग आती है, वैसे तो भाई देखो इनकी बैटिंग 7वें नंबर पे आएगी तो 7वें नंबर पे आते आते हो सकता है कि आधी ज्यादा विकेट गिर जाए, आधी ज्यादा ओवर खत्म हो जाए, तो मैं बोलूंगा जे बेहतर को आप सीधे ड्रॉप मार सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ पे बात कर लेते बी ब्रोस भाई, आपने देखा होगा पिछले मैच में इस बंदे ने ताबड़तोड़ 2 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ताबड़तोड़ तेज तरह गेंदबाजी के साथ साथ इनके पास अच्छा पेस और अच्छा उछाल भी जिसके कारण इनको विकेट मिल जाए, तो भाई आज के मैच में भी ये कंफर्म है कि भाई विकेट लेके जाने वाले। और मैं ये 100 रन सेटन हूँ कि भाई आज के मैच में भाई आदिल राशिद भी कुछ अलग कारागरी करने वाले, कारागरी के साथ साथ मैं बता दूं अगर इनको पिच से थोड़ा बहुत टर्न मिल गया तो भाई ताबड़तोड़ जाल मचाने वाले। तो अभी हम आगे पिच रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो भाई आप देख लो ये प्लेयर भाई जोफ्रा आर्चर तो भाई आपको एक आध विकेट तो लेके दे देगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में इनकी पिटाई होगी तो इनके ओवर जो कट जाएंगे, तो भाई मैं बोलूंगा ज्यादा ओवर की गारंटी ना लेना, लेकिन अच्छे खासे बॉलर रहेंगे आज के मैच में, ज्यादा विकेट नहीं, लेकिन मैं बता दूं आज के मैच में आपको 1 या 2 विकेट लेते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ली हमने किसके बारे में, हमने आपको बता दिया इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। भाई आप देखिए आप समझ लो हमने आपको एक एक प्लेयर के बारे में डीप में नॉलेज दिया कि भाई आप जानिए, आप टीम में रखिए और मेरा प्रेडिक्शन सुनिए कि मैं किस प्लेयर को बोल रहा हूँ लेने के लिए, मैं किस प्लेयर को बोला हूँ आज ड्रॉप करने के लिए, कौन सा प्लेयर सेव करता है, मतलब मैंने आपको बहुत सारी बातें शेयर किया, बहुत सारे ज्ञान दिए जिसके आप थोड़ा बहुत पैसे कमा लोगे, ठीक है। अब भाई चलिए थोड़ा बहुत कमाओ मत पूरा कमाओ। अब भाई चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या रहने वाली है इसके बारे में। यहाँ पे देख लो भाई ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या रहने वाली है, भाई ध्यान से देखिए प्लेइंग 11 जो प्लेइंग 11 टीम न्यूज बता दूं वही प्लेइंग 11 टीम न्यूज आज के मैच में आपको दिखने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई देखो ट्रेविस हेल, मिचेल मार्श, स्टेवी स्मिथ, कैमरॉन ग्रीन, बाय द लेमेस लॉमिस चंगे, एलेक्स केरी, मैथ्यू शॉर्ट, कैलो अरोरा, हार्डिल, सैम एबट, एडम जंपा, बेन डॉरवेल, भाई ये रहने वाली है आपकी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की प्रोबल इवेंट प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज। आप भी एक बार स्क्रीन पे आप देख लो भाई, ध्यान से देखना ताबड़तोड़ प्लेइंग 11 टीम न्यूज जो प्लेइंग 11 बताऊंगा वही आज के मैच में आपको देखने को मिलेगा प्रो, ठीक है। अब भाई चलो बात करते हैं किसके बारे में, प्लेयर की स्टैट के बारे में कि भाई कौन सा प्लेयर जो कैसा है इसके बारे में आप जानो इंपॉर्टेंट है। भाई देखो ट्रेविस हेड, भाई ये ट्रेविस हेड भाई बंदा ताबड़तोड़ है भाई, इसका माइंडसेट अलग है, इसका खेलने का तरीका अलग है भाई, चाहे टेस्ट हो चाहे ओडिया ये बंदा रन बनाने के चक्कर में पागल है। अगर ये बंदा मैं बता दूं प्रो अगर ये 10 ओवर खड़ा रह गया तो मैं बता दूं अगर ये T20 का मैच है तो भाई आपको भाई भूत बना देगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं अगर ये बता दूं अगर भाई ODI है तो भाई इसमें थोड़ा आपको स्लो खेलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो भाई मिला जुला के आज के मैच में मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ रहने वाला ट्रेविस हेड तो अपने टीम में रखिएगा जरूर, क्योंकि भाई ये बंदे को गियर बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन भाई आज के मैच में मेरा ये ओपिनियन है कि भाई अगर ट्रेविस हेड सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर गया तो आप अपने टीम में रखोगे, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, क्योंकि भाई देखो सेकेंड इनिंग बैटिंग करते डेट इज सपोर्ट मैं बता दूं अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग करता है तो ट्रेविस हेड में बोलूंगा एक माइंडसेट बना के खेलता है, आपको एक तरफ से रन बनाता हुआ दिखेगा, एक तरफ से आपको सेफ भी खेलता हुआ दिखेगा। तो मतलब मिला जुला के आज के मैच में जो भाई ट्रेविस हेड है भाई सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हैं सेफ है, लेकिन भाई इनकी हिस्ट्री इनकी रिसर्च बताती है कि भाई जब ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई ज्यादा कुछ बड़ा स्कोर नहीं करते प्रॉक्स मेरे अनुभव से, ठीक है। तो भाई बोलूंगा आज के मैच में ट्रेविस हेड अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग करते तो लो, अगर बाई चांस मान लो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते तो भाई इनको सीधा आज के मैच में ड्रॉप मारना, ठीक है, यही प्रेडिक्शन। और भाई आज के मैच में भाई इधर देखो मिचेल मार्श, भाई इनके टीम में सबसे सेफ खेलने वाला भाई मिचेल मार्श है, ताबड़तोड़ आपको खड़े खड़े शॉट मार सकता है ये बंदा आपको खड़े खड़े मैं बता दूं चौके छक्के लगा सकता है, इसके अंदर ये टेक्निक नॉलेज है ये। और मैं बता दूं ज्यादातर मैं बता दूं भाई देखो तेज गेंदबाजों को अच्छा डिफेंड करके खेलेगा, अच्छा मैं बोलूं भाई मतलब मिला जुला के ज्यादा रिस्क नहीं खेलेगा, स्पिन गेंदबाज को अच्छा खासा शॉट
शॉट मार करते आपको रन बनाते हो दिखेगा। तो आज के मैं बोलूंगा मिचेल मार्श भी इम्पोर्टेंट पिक रहने वाला, तो भाई ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट में ट्रम्प कार्ड जो भी आप बोल सकते हो ताबड़तोड़। लेकिन मैं बता दूं एक चीज गड़बड़ हो जाती है भाई, कभी कभार ये बंदा बॉलिंग कराता हो दिखेगा लेकिन कभी कभार ये आपको बॉलिंग नहीं कराता, तो भाई यही प्लस पॉइंट। अगर ये बंदा आपको बॉलिंग करा गया तो आपको प्लस पॉइंट देके चला जाएगा, ठीक है। अब भाई बात करते हैं स्टीव स्मिथ, भाई देखो स्टीव स्मिथ ताबड़तोड़ है, आपको भाई तरफ से मैं बता दूं आपको पॉइंट चाहिए। लेकिन ये बैट्समैन मैं बता दूं बहुत काफी लंबा गैप टाइम के बाद है, जिसको अभी इनको रन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई बता दूं ज्यादातर ये क्या करेंगे, आपको ज्यादा बॉल खेल के कम रन बनाएंगे, यही मेरा प्रेडिक्शन है आज के मैच में। तो बोलूंगा कि भाई आज के मैच में स्टीव स्मिथ सीधा आप ड्रॉप मारोगे, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए तभी आप जीतोगे, पॉइंट नहीं रहेगा तो नहीं जीतेगा। तो भाई आज के मैच में प्रेडिक्शन है जाए चप्पर स्टीव स्मिथ बैटिंग करे सीधा ड्रॉप मार के आज के मैच काट लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले कैमरन गिल की, अभी देखो भाई बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से बैटिंग देंगे, बैटिंग के साथ साथ आज के मैच आपको बॉलिंग से भी ताबड़तोड़ करने वाले, तो इन पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्श लबू चंगे, भाई देखो अगर आपको सेफ खेलना, अगर आपको सेफ जाना तो मैं बता दूं यही बताऊंगा कि अगर आज के मैच में भाई मार्श लबू चंगे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला। आपको मैं बता दूं लगभग अप्रोक्स कितना रन करेगा आज के मैच में, 60 से 70 रन के अप्रोक्स आप इनसे उम्मीद कर सकते हो, इसे आप अनुमान लगा सकते हो जो एम लबू चंगे आपको इतना स्कोर करते हुए आज के मैच में दिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान देना, लेकिन मैं बता दूं सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं करते, ठीक है। ये ज्यादा थोड़ा प्रेशर रिलीफ नहीं है, मतलब प्रेशर वाले मैच में अपनी विकेट फेंक देते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एलेस केरी, ताबड़तोड़ तेज तरह बल्लेबाज है, बल्लेबाजी के साथ साथ आपको रन मशीन भी इनको बोला जाता है प्रॉक्सी। आपको अगर ये खड़े रहते हैं तो आपको रन बनाते हुए दिखेंगे, T20 ODI टेस्ट और ताबड़तोड़ अपने प्रेडिक्शन से खेलेंगे, तो अपने टीम में इनको ना रखिएगा, सीधा ड्रॉप मार के सेफ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ्यू शॉट, भाई देखो मैथ्यू शॉट आपको स्पिन गेंदबाजी करेंगे, स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ मैं बता दूं इसमें यहाँ क्या करेंगे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, तो भाई ये दोनों तरफ से आपके इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई मैं बता दूं मैक्सवेल भी इस टीम में आ गए, तो भाई एक चीज में गड़बड़ हो गया, बोल रहा था कैमरन ग्रीन के जगह अब यहाँ पे क्या कर लेना मैक्सवेल कर लेना, तो भाई देखिएगा मैक्सवेल ताबड़तोड़ है। लेकिन देखिए मैक्सवेल कैमरन ग्रीन में से कोई भी खेल सकते हैं आज के मैच में, आप दोनों को ऑप्शन बना के चलिएगा, लेकिन कोई एक खेलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैसूस शॉट, आपको स्पिन गेंदबाजी भी करेंगे, ज्यादा ओवर नहीं करेंगे क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा तो ज्यादा ओवर किए नहीं थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराते समय मैसूस शॉट आपको बॉलिंग भी कराते हुए दिख सकते, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर लेते भाई दादू को अरोड़ा हार्डेन, भाई बैटिंग के साथ साथ ये बंदा आपको बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है अच्छे खासे, तो भाई इन पे ध्यान दीजिएगा, नजर दिखेगा ताबड़तोड़ रहने वाले भाई, एक आध विकेट तो भाई इनसे आप आंख बंद करके उम्मीद करोगे, क्योंकि भाई अपने पास इनके कला है, इतना एक्सपीरियंस है कि भाई क्या करेंगे दो बॉल छक्का खाने के बाद आपको स्लोअर डाल के बॉल फरला लेते हैं, तो भाई ध्यान दिया, ठीक है। अभी देखो भाई सेम है वही कारीगरी इनका भी, ताबड़तोड़ तेज तरह गेंदबाजी के साथ साथ ये ज्यादातर बॉलिंग की मूवमेंट कराने के विकेट ले लेते, तो भाई की बॉल मूव करी तो भाई इनको विकेट मिलना फिर जाए, तो बोलूंगा जंपर है पिछले मैच में ज्यादा ओवर्स कराए नहीं, लगभग आप लोग 6-7 ओवर कराए जिसके कारण इनको ज्यादा सफलता मिली, इनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई है। तो आज के मैच में मैं बोलूंगा आयरन जंपर भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, क्योंकि भाई देखो जो बैट्समैन जिस बॉलर को ज्यादा रन टारगेट बनाने करेगा तो बैट्समैन अपनी विकेट जरूर फेंक देता है उनके ऊपर, ठीक है। तो भाई आयरन जंपर भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट पिक दिखने वाले। अब यहाँ पे बात करते हैं बेन डॉर्वेल, ताबड़तोड़ तेज तरह गेंदबाजी, लेकिन कुछ अभी खास रहा नहीं है, तो भाई इनको सीधा ड्रॉप मार सकते हो एकदम सेफ रहोगे। तो भाई यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख लो, हमने आपको बता दिया किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम बताई, और हमने आपको एक एक प्लेयर के बारे में आपको डीप में नॉलेज दिया कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा है, कौन सा प्लेयर कैसा है, ठीक है। तो भाई आप देख लो समझ लो। अब भाई चलिए बात करते हैं किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई देखो सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका यही है कि भाई अगर आप पिच रिपोर्ट जानोगे तो भाई आप उसके कंडीशन से टीम बनाओगे तो अच्छा खासा आपको पॉइंट मिलेगा, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के एनालिटिक्स पर। भाई अब बात करते हैं किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में। तो भाई ध्यान सुनेगा, पिच रिपोर्ट आज के मैच में कहां पे ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो भाई ये जो मुकाबला खेला जा रहा है कहां पे खेला जा रहा है, यूनाइटेड में खेला जा रहा है, ठीक है। भाई देखो आज के पिच रिपोर्ट जान लो, आज का क्या है कैसा हिसाब से टीम बनाना। भाई यहाँ पे देखो टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो दूसरे मैच में इस पिच पर बाद में बल्लेबाजी करना जो भाई आसान हो जाता है, मतलब क्या होता है इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई तीसरे मैच में गेंदबाजों को शुरू में पिच पर मदद मिलता है, ठीक है। गेंदबाजों को शुरू में क्या होता है पिच से मदद मिलता है, ठीक है। और भाई बात कर लेते हैं इस पिच पर रुक कर भाई सर देखो इस पिच में एक एवरेज वाला स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं किसके बारे में, भाई देखो इस पिच पर सेट होने के बाद बल्लेबाज रन बनाते हैं, मतलब भाई आप देखो क्या होता है इस पिच पर टॉस जीतने वाली पहले बॉलिंग लेती है, क्यों, क्योंकि भाई यह पिच क्या होता है स्टार्टिंग में बॉलरों को मदद करती है, मतलब उनकी बॉल स्विंग सीमा मूवमेंट मतलब टर्न ऑन भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पिच पर भाई देखो बाद में बल्लेबाजी करना क्या होता है आसान काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई देखो गेंदबाजों को शुरू में पिच से क्या होता है मदद मिलता है, गेंदबाजों को पिच से मदद मिलता है जिससे बैट्समैन को संभल कर रुक कर खेलना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने विकेट फेंक देंगे भाई तेज गेंदबाज के सामने, ठीक है। और भाई इस पिच पर स्पिनर को कुछ खास मदद मिलता है, स्पिनर को क्या
होता जब पिच धीमा हो जाती है तब मदद मिलता है, ठीक है। मतलब धीमा होने का मतलब यह कि भाई देखो स्पिनर की बॉल एकदम स्लो आएगी, जिससे कहोगी बेल्ट बॉल जो डेथ बॉल हो जाएगी, डेथ बॉल हो जाएगी, पूरी बॉल जो डेथ हो जाएगी, ठीक है। वो बैट्समैन मारने जाएगा तो बॉल क्या होगी हवा में टंग जाएगी, जिसके कारण अपनी विकेट वो दे देंगे, ठीक है। तो भाई देखो यही आपका रहा पिच रिपोर्ट, जिसके कारण आपको टीम बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। चलो एक बार रीड करके सुना देता हूँ भाई। याद देखो टांग जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहती है, ठीक है, और भाई इस पिच पर बाद में बल्लेबाजी करना आसान होता है, ठीक है। और भाई देखो गेंदबाजों को शुरू में ही मदद मिलने लगता है पिच से, ठीक। और भाई इस पिच पर भाई देखो एक एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा लगभग, अभी आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई इस पिच पर सेट होने के बाद बल्लेबाज आपको खूब रन बनाते हुए दिखेंगे। तो भाई आप देख लो हमने समझा दिया आपको किसके बारे में, हमने आपको बता दिया पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई चलिए बात करते भाई ये जो पिच है अभी तक इस पिच पर ओडीआई के टोटल मैच कितने खेले गए, कौन कितनी बार जो मैच को जीता हुआ, कौन कितनी बार मैच को हारा हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं किसके बारे में। यहाँ देखिए भाई स्कोरिंग पैटर्न के बारे में देख लो भाई ये जो पिच अभी तक इस पिच पर भाई किसके ओडीआई के जो है टोटल मैच कितने खेले गए अभी तक इस पिच पर। भाई देखो ओडीआई के टोटल मैच कितने 19 मैच खेले गए, ठीक है, जिसमें से भाई बैटिंग करने 3 मैच को 8 बार जीता हुआ, बॉलिंग करने 3 मैच को 11। मतलब इस पिच पर भाई साफ साफ पता चल गया इस पिच पर क्या होता है, बॉलिंग करने 3 मैच को ज्यादा दबदबा रहता है, इस पिच पर बॉलिंग करने वाली टीम को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग स्कोर भाई इस पिच पर जो भी टीम पहली बैटिंग करने आती है लगभग आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा ओडीआई में बता दूं। भाई देखो आज के मैच में चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग बैटिंग चाहे चाहे इंग्लैंड, आज के मैच में भाई आप जो है 250 रन क्या करोगे सीधा यस करोगे, कितना 50 ओवर है आप यस करके पैसा कमा लोगे सेशन, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं टू एंड नाइन स्कोर भाई इस पिच पर जो टीम दूसरी इनिंग बैटिंग करने आती है वो लगभग कितने स्कोर तक पहुंच जाती है, तो भाई देखो 230 रन तक लगभग वो पहुंच ही जाती है स्कोर तक, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाईएस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है भाई, यहाँ देखो 338 रन पे 6 विकेट, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लोएस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे लोएस्ट स्कोर कितना रहा हुआ भाई, यहाँ पे देखिए 99 रन पे 10 विकेट। तो भाई आप देख लो आप समझ लो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, हमने आपको बता दिया स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। अब भाई चलिए बात करते हैं किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई देखो अगर आप जान जाओगे हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड तो भाई आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई जो है कौन सी टीम जो है मजबूत है और भाई कौन सी टीम जो है कमजोर है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। ये भाई अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे आप देख लीजिए भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई इधर देखो अभी तक इंग्लैंड ने कितने बार मैच जीता हुआ है, किससे ऑस्ट्रेलिया से 2 बार। यही पे भाई देखो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से कितने बार मैच जीता हुआ 8 बार। मतलब मियां जुला क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पे अगर हम देख लिए तो भाई 6 बार जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा ओवर किया इंग्लैंड से, तो भाई इंग्लैंड क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या मजबूत टीम है, तगड़ी टीम रहने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन, ड्रीम इलेवन पे जीतने का तरीका क्या, तो भाई आप ध्यान सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा भाई। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया टीम है सुपर एंड ओवर टीम, इंग्लैंड टीम जो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया। मतलब समझे आज के मैच में आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन जो करोगे 7 और 4 का कॉम्बिनेशन करोगे, जिसमें से भाई आपके ये 4 प्लेयर है, ये 4 प्लेयर आपके किसके रहेंगे, ये रहेंगे आपके इंग्लैंड के, और भाई ये आपके 7 प्लेयर ये रहेंगे आपके AU ऑस्ट्रेलिया के रहेंगे, 7 और 4 मिलके हो जाएंगे आपके 11, ये आपकी तैयार हुए ड्रीम टीम। तो भाई आप देख लो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बताया, जिधर ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन बता दिया, ठीक है। अब भाई चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। भाई आज के बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे देखो भाई प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर किसके ऑस्ट्रेलिया के बैटर के बारे में, कि भाई आप जो है क्या आज के मैच में किस प्लेयर के ऊपर 25 रन यस करना, किसको 25 रन क्या करना नॉट करना, इसके बारे में जानो। भाई देखो मिचेल शॉर्ट आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन क्या करना है यस, लेकिन अगर दूसरी इनिंग बैटिंग करेगा तो इसके आप क्या करोगे सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय नॉट, ठीक है। ये है आपका एम शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई मिचेल मार्स आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गया तो भाई 25 रन का सेशन यस, दूसरे इनिंग बैटिंग कर गया तब पर भी क्या करना है यस, ठीक है, दोनों इनिंग में आप यस करके इस पे कमा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले एम लवुस चंगे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन यस, दूसरे इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन क्या करोगे नॉट करोगे, ठीक है। भाई बात कर लेते हैं बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बॉलर है भाई जो कि भाई आज के मैच में 2 से 3 विकेट लेता हुआ दिखेगा, तो भाई यहाँ पे देखो मिचेल स्टार्क आज के मैच में फिर से आज के मैच में आपको 2 या 3 विकेट लेता हुआ दिखेगा। अब भाई चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में आज बात कर लेते हैं किसके, आज नहीं अभी बता देता हूँ किसके प्लेयर प्रेडिक्शन बैटर इंग्लैंड के बैटर की जानो, किसको यस किसको नो 25 रन का सेशन। अब यहाँ पे सुन लो फिलिप शॉर्ट फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन का सेशन क्या करोगे यस, लेकिन दूसरे इनिंग बैटिंग करते समय 25 रन क्या करोगे आप सीधा नॉट मारोगे, ठीक है। अब यही पे बात कर लेते हैं हैरी ब्रूक आज के मैच
मैच में फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों इनिंग में हैरी ब्रूक पे आप क्या करोगे, यस करके कैसे कमाओगे। ठीक है भाई, बात करते हैं विल जैक। फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय विल जैक आप दोनों इनिंग में यस करके पैसे कमा लो। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं बॉलर। इंग्लैंड का कौन सा बॉलर जो कि भाई आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट 1 विकेट लेता हुआ दिखेगा, तो भाई यहाँ पे देखो आदिल राशिद आज के मैच में आपको 2 या 3 या 1 विकेट लेता हुआ दिखेगा, तो भाई आप देख लो, समझ लो। अब भाई चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे देख लो भाई द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। भाई देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन में बोर्ड पे ये जो लाया हूँ भाई, ये जो 5 प्लेयर है इम्पोर्टेंट आपके टीम में रहना चाहिए, इन पांचों का पहले आप नाम सुन लो भाई। यहाँ देखो विल जैक, हैरी ब्रूक, एम शॉट, मिचेल मार्श, राशिद आर, ये पांचों प्लेयर आज की टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, सब टॉमर टू ड्रीम टीम के प्लेयर है। पहले आज के मैच में किसको कैप्टन, मैं किसको आज के मैच में वाइस कैप्टन करने वाला हूँ, तो भाई देखो एम मार्श को मैं कर दूंगा कैप्टन और भाई आदिल राशिद को मैं कर दूंगा वाइस कैप्टन। तो भाई यहाँ पे देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा ये रहेगा, और भाई मेरा ये देखो भाई टॉस, भाई देखो टॉस और यहाँ पे देख लो भाई आज का मैच, टॉस और मैच कौन जीतने वाला भाई आज के मैच में, भाई दोनों ही कौन जीतने वाली है, टॉस और मैच दोनों ही इंग्लैंड जीतने वाली है, तो भाई देख लो समझ लो। चलिए भाई आज की वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलता हूँ फिर किसी एक नए मजेदार ताजी फ्रेश चमचमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।